अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जायका मस्ती बाई जैनब और मैं हूं अहमद अली। आज बच्चों की और जैनब की फरमाइश पे मैं बना रहा हूं आलू बुखारे की चटनी, जिसके लिए लिया है 1 किलो आलू बुखारा। ये देसी आलू बुखारा है, आप चाहें तो आप ईरानी आलू बुखारा भी ले सकते हैं। उसके साथ है 1 किलो चीनी, फिर जो उसमें मसाले डलेंगे उसमें 1 चम्मच चाय के चम्मच है नमक, 1/2 चाय के चम्मच काला नमक और 1 चाय की चम्मची काली मिर्च। मेरे पास इस वक्त जो है दड़ा मिर्च, जो दादर मिर्च होती है वो नहीं है, इस वजह से मैं काली मिर्च यूज़ कर रहा हूँ। नॉर्मली मैं दादर मिर्च यूज़ करता हूँ। और इसमें इस्तेमाल होगा 1/2 कप से भी कम थोड़ा सा पानी इसको बनाने के लिए होगी। सबसे पहले हम लोग डालेंगे चीनी, और साथ ही हम लोग डालेंगे इसमें आलू बुखारा। ये देखिए, इसके साथ ही हम लोग ये सारे मसाले क्या हैं जी, नमक है 2 तरह का, सफ़ेद नमक है, काला नमक है और काली मिर्चें हैं। अगर आप काली मिर्चें आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह दड़ा मिर्च या दादर मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर दोनों ही नहीं है तो फिर आप लाल मिर्च या सफ़ेद मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। ये भी हम इसके साथ डालेंगे यहीं पर। ये याद की सारी चीज़ें हमने इकट्ठी डालनी हैं। हम डालेंगे तकरीबन 1/2 कप के करीब पानी, चीनी भी पानी छोड़ेगी, आलू बुखारे भी, और जो है ना हमने इसको इस थोड़ा सा कप में पानी डाल के तो इस सबको पकाना है। अच्छा, ये सारा जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमने इसको पकाना है बिल्कुल हल्की आंच पे, तो ये तकरीबन 20 मिनट लगेंगे इस चटनी को बनने में। तो अब हम 20 मिनट तक इसको पकाते हैं। ये जी, इसको पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं, तो ये इंशाल्लाह 20 मिनट के अंदर अंदर ये तैयार हो जाएगी चटनी हमारी। अभी इसको हमने चलाया है, ये देखिए आलू बुखारे भी सारे लादा होना शुरू हो गए हैं बिल्कुल, जो बाकी रह गए वो भी लादा हो जाएंगे। इसी तरह इसका जो ये शीरा है तैयार, वो भी साथ होता रहेगा। आपने इसको एक ही आंच में मुसलसल 20 मिनट के लिए पकाना है, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट। वो आप जब देखेंगे कि हाँ जी सब चीज़ें गल गई हैं, हमारा इसका शीरा बिल्कुल बेहतरीन बन गया है और आलू बुखारे सारे गल चुके हैं, तो फिर आप इसको, वरना उसके हिसाब से आप इसको थोड़ा सा आगे पीछे जो है 5-7 मिनट और भी पका सकते हैं। ये देखिए जी, ये फिर तकरीबन 5 से 8 मिनट बाद हमने दोबारा इसको चेक किया, तो अब इसमें उबाल आना शुरू हो गया, हमारा जो आलू बुखारा है वो भी फूलना शुरू हो गया और बिल्कुल सारा एक एक दाना लैदा हो गया। शीरा भी अभी अगर आप देखें, ये अपनी इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो बनना शुरू हो गई है, तो ये तकरीबन और 7 से 8 मिनट में इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। अब ये देखिए, इसको पकते हुए एग्जैक्टली 20 मिनट हो चुके हैं, ये हमारे आलू बुखारे बिल्कुल जो है सॉफ्ट हो गए हैं इसके अंदर। उसके बाद हम लोग इसके अंदर जो है चारों मगज और कुछ बादाम वगैरह डालेंगे, वो भी जो आपका दिल चाहे, जैसा ड्राई फ्रूट आपने डालना है नहीं डालना। इसी मौके पर अगर आप चाहें तो मुझे तो आलू बुखारे की चटनी की खुशबू के अलावा और कोई खुशबू अच्छी लगती नहीं, लेकिन और खुशबू के लिए आप इसके अंदर छोटी इलायची 1 या 2 जो है ना दाने उसके लेके अच्छी तरह पीस के तो वो आप इसमें डाल सकते हैं, उससे भी अच्छी खुशबू और हो जाएगी। इसकी जायके में फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन खुशबू अच्छी हो जाएगी।